अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बहुत बड़ा स्पेशल दिन है कश्मीर वालों के लिए। तो उस मौके पे हम कश्मीर में आए, हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए। और आज 5 फरवरी है, योम यकजहती कश्मीर है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। और यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, टाइम ब्रिज पे एक इंसानी जंजीर बनाएंगे। मेहमान खसूसी आ रहे हैं पाकिस्तान से भी और कश्मीर के भी, जो मुअज्जज मेंबरान है, सियासी रहनुमा है, वो भी शिरकत करेंगे। तो ये मेरे पीछे ये गाड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं, ये पुलिस वाले भी मौजूद है जो बड़े चाको चौबंद हैं और बड़ी सख्त ड्यूटी है, सिक्योरिटी भी टाइट है। और ये मेहमानों का सिलसिला स्टार्ट है, तो हम आगे जा रहे हैं, आप लोगों को पुल भी बता रहे हैं। ये मेहमानों का सिलसिला स्टार्ट है, ये मेहमान आ रहे हैं और ये सामने पुल पे लोग जमे, ये मिली नगमे भी स्टार्ट हुए हैं। तो सारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये चेक करें, ये कुर्सियां लोग लगा रहे हैं, ये चौकी है पुलिस, ये लोग जमा हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, है लोगों का हुजूम आप चेक कर सकते हैं टाई ब्रिज पे। तो बड़ी प्यारी लोकेशन है ये, नीलम जेलम के ऊपर जो ब्रिज बना है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और सर जहाँ से आए हैं आप, की बात है आप महंगाई होनी चाहिए, आप खत्म बोला इस बार कल पे इसमें मैं आया हूँ, जब आपकी माता हूँ इंशाल्लाह मैं महंगाई नहीं चाहिए, हमने बोला टाइम से मैं शुक्र करता हूँ। ठीक है ठीक है, ये चाचा की इंटरव्यू भी आप सुनी महंगाई के बारे में। तो आज तो कश्मीर का यकजहती दिन है, वो भी मनाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। ठीक है, आप भाई बताया, ये पुलिस वाले भाई भी मौजूद है भारी नफरी के साथ। ना कोई मौसम की कहता, मौसम खुश चाहिए आप लोग, जब बीमारी होती है जब बारिश नहीं चाहिए। ये बैनर चेक करें, अभी ये मेहमान भी आ रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये लोगों ने बैनर उठाए हुए हैं, अभी जंजीर बनाएंगे। तो हमारे साथ ये सियासी रहनुमा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और ये पुलिस की भी भारी नफरी है, सिक्योरिटी टाइट है। ठीक है। जी व्यूअर्स, ये देखें अभी लोग रोड पे आ गए हैं बैनर उठा के। अभी ये इंसानी जंजीर बना रहे हैं, उस साइड से भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान वाली साइड से, जो हमारा पाकिस्तान वाले साइयों में यकजहती कश्मीर पेश करेंगे कश्मीरियों के साथ। ये डिस्ट्रिक्ट पिंडी वाले पुल के उस साइड ये आ रहे हैं अभी इधर, और इस साइड पे ये कश्मीर भाई हैं हमारे, कश्मीरी जो भाई जान हैं वो अपनी यौम यकजहती मना रहे हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी भाई भी आ रहे हैं उधर से, कश्मीरी झंडा उठाए हुए हैं कश्मीरियों से इजहार यकजहती मनाने। ये भी सब मिलके यहाँ पे प्रोग्राम भी करेंगे और इंसानी जंजीर बना रहे हैं। ये इधर भी चेक करें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पैदल वो आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये व्यू भी साथ साथ चेक करते जाएं व्यूअर्स, ये दरिया नीलम जेलम और उसके ऊपर ये पुल बनी हुई है।
जी व्यूअर्स, अभी नारेबाजी स्टार्ट हो गई है, एक मिनट का सायरन बजा, खामोशी थी। ये भी इंसानी जंजीर बना रहे हैं इधर से पाकिस्तान भाई, पाकिस्तानी भाई जो हैं हमारे, वो एक ज़ारे यकजहती कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कश्मीरियों के हक में। इधर से कश्मीर भाई जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। ये अभी आगे बढ़ रहे हैं कश्मीर की तरफ से जो रैली आ रही है, और इधर से पाकिस्तानी जो रैली है वो भी सेंटर में आ चुकी है। जिस कश्मीर का खून से सींचा, जिस कश्मीर का खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। मेरी माँ मांगे आजादी, मेरे बच्चे मांगे आजादी, मेरी माँ मांगे आजादी, ये बच्चे मांगे आजादी, ये बूढ़े मांगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। जिस कश्मीर का खून से सींचा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जी व्यूअर्स, ये भी झंडे एक्सचेंज कर रहे हैं जो सियासी रहनुमा है। और हमने मिलके उस पार बना सका, ज़्यादा अगर आपकी तरह डालें तो ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज फिर इधर इंसानी दोनों अतराफ, सर जी ऐसा करें कि दोनों अतराफ इंसान हुआ, इंसानी हाथों जी व्यूअर्स, अभी झंडों के तबादले हो गए पाकिस्तान और कश्मीर भाइयों के दरमियान। अभी ये एक साइड पे खड़े हो गए, दूसरे साइड पे अभी ये जंजीर बनाने जा रहे हैं। तो बड़ा स्पेशल ओकेजन है, एंजॉय करें आप लोग भी, और कमेंट्स में लाजमी बताने यकजहती के बारे में, कश्मीरियों के साथ अपना सपोर्ट बयान करें कमेंट्स में, और आगे भी आप लोगों के साथ ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम। ये पंजाब पुलिस भी आई हुई है, इधर से कश्मीर पुलिस भी है। जी अभी ये हाथ ऊपर कर रहे हैं सब एक जेती के तौर पे, ये चेक करें आप इस साइड से भी और उस साइड से भी, ये इंसानी जंजीर जो बना रहे हैं। ये देखें जी, ये हाथ से हाथ बांधे हैं, जंजीर बंद बना रहे हैं। ये चेक करें कितनी लंबी की तार बनी हुई है इस साइड से भी। आ रहे हैं
आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पंडाल भी बनाई हुई है, वहाँ पे प्रोग्राम होगा। जी व्यूअर्स, अभी 5 मिनट की जो जंजीर बनी थी, अभी लोग आ रहे हैं आगे पंडाल की तरफ। ये आप चेक कर सकते हैं, अभी पंडाल की तरफ आ रहे हैं। अभी यहाँ पे तकरीर होंगी, सियासी जो रहनुमाएं और प्रोग्राम होने वाला है। ये चौकी है टाइम्पल पे, तो जो अभी मेहमान है पाकिस्तान की तरफ से और कश्मीर की तरफ से, वो बैठेंगे, अपने अजहार का ख्याल करेंगे यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उन्होंने भी कमेंट्स में सपोर्ट शो करनी है कश्मीरियों के साथ लाजमी। और जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, हम लोग जो हैं कश्मीरी भाइयों के साथ दुख दर्द में शरीक हैं, तो आए वहाँ से भी रैली आई पंजाब पुलिस की निगरानी में, झंडे एक्सचेंज किए, जिस तरह उन्होंने अपना सपोर्ट शो किया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने भी कमेंट्स में सपोर्ट शो करना है कश्मीरियों के साथ। जितना ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने अच्छा होगा। ये भी लोग कुर्सियों पे बैठ रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं, हम आगे आ गए हैं पंडाल में। यहाँ पे अभी ये अपने अजहार का ख्याल करेंगे जो सियासी रहनुमा हैं। चेक करें आप लोग, तो पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया, जिस तरह इंसानी जंजीर जो पाकिस्तान से रैली आई थी वो। जी व्यूअर्स, अभी झंडा ऊपर कर दिया है कश्मीर का। ये मेरी नगमे भी साउंड सिस्टम में लगाए हुए हैं, और ये झंडा बुलंद किया है कश्मीर का। ये लोग जमा हुए हैं, और अभी पाकिस्तान का मिली नगमा, ये जो कौमी तराने और झंडा बुलंद हो रहा है, एक तरफ कश्मीर का हो गया। अभी आप लोगों ने चेक किया, अभी ये पाकिस्तान का खड़े हुए हैं।
अपनी वो बाकायदा से इस तकरीब का आगाज करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमला मौजूदीन इकराम और मेहमान ग्रामी को इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद चाहते हैं। तमाम अजलास से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर तशरीफ रखें ताकि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके। तलावत इकराम पाक महफूज हासिल कर सकता है। इसके बाद नाद के लिए मोहम्मद अदील साहब को दावत दी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم جی ویورز یہ تلاوت قرآن پاک آپ لوگوں نے سنی جو توراڑ کے اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے خود کی تلاوت اور باقاعدہ آغاز کر دیا ہے پروگرام کا تو ابھی یہ اپنے اظہار خیال بھی کریں گے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں اپنی اظہار یکجہتی شو کرانی ہے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اور یہ جھنڈوں کا پروگرام بھی یہ آپ لوگوں نے چیک کیا کس طرح بلند کیے تھے تو ابھی نعت سنا رہے ہیں اور اس کے بعد نعت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے اظہار کا خیال کریں گے تو بہت لمبا پروگرام ہے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی سپورٹ دینی ہے اور جو نئے بندے آ رہے ہیں دونوں نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے